मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ए सदर आलम हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह का नौ बज रहा है हम लोग अपने कॉलेज चल रहे हैं और आज नीरज भी मॉर्निंग में ही हम लोग के पास ही आ गया था सदर आलम तो साथ में ही रहता है दोस्तों हम लोग चल रहे हैं और कल बहुत अच्छा लगा कल हम लोग अपना सामान ले गए थे जो प्रोजेक्ट बनाना था मॉडल बनाना था वो ला करके हम लोग रख दिए हैं और कल कुछ थोड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं इसलिए मैं कुछ बताया नहीं और क्या पढ़ाई हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं कल बताया था सारी चीज़ें धीरे धीरे तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए कॉलेज मेरा पीछे आप देख पा रहे होंगे दोस्तोंटर सिस्टम में पूरा इसमें चल रहा है अरे देख लो इधर थोड़ा सा हाय बाय कर दो कुछ दोस्तों आज हमारी मैम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ाई है जो कि सामने आपको यहाँ आपको दिख रहा है हेडिंग है दोस्तों मस्कुलर टिश्यू जो हमारे हड्डी और शरीर के आंतरिक जो भाग होते हैं उनको मूव यानी कि घूमने में सहायता करता है उसे ही मस्कुलर टिश्यू कहते हैं जैसे दिस टिश्यू हेल्प फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स ठीक देयर आर थ्रीड टाइप्स मस्कुलर टिश्यू तो यहाँ दिया है पहला है स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मस्कुलर टिश्यू दोस्तों ये तीन प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़े मैम ने पढ़ाया था जो तो पहला मसकुलर टिश्यू है ठीक है ना देखिए स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू ठीक है ना ये इसका डायग्राम है दोस्तों मैं डायग्राम की सहायता से ठीक है ना इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको एक्स्केलेटर मसल के बारे में आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एक्स्लेटर मसल है या एक कठोर जैसे मान लीजिए हमारा जो हड्डी हड्डी होता है हड्डी बहुत ही कठोर होता है तो हड्डी के ऊपरी परत में ही ठीक है जैसे देखा लोकेशन ऑन बोन्स तो हड्डी के ऊपरी परत में या एस्केलेटर मसल्स मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है दोस्तों आप देखिए इसका जो ये किसके टाइप होता है ये नली के टाइप में होता है जैसे इसको हम बोल सकते हैं जैसे ट्यूब ट्यूब इंग्लिश में बोलेंगे और नली तो नली नली के आकार का दोस्तों ये होता है ठीक है ना मैं आपको बता दूं इसमें जो ये देखे जो बूंदा बूंदा है ना दोस्तों ये मल्टी न्यूक्लेटेड यानी कि एक ही नली में जो है ये जो है ये कई कई इसमें न्यूक्लियस है यानी कि मल्टी न्यूक्लेटेड होता है और एक बात बता दो, दोस्तों एक्स्टेराइटेड मसल्स भी होते हैं जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना लाइनिंग 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 बना हुआ है ये ट्यूब के ऊपर ठीक है ना दोस्तों यह इसका आकार में इसको बोलते हैं एक्स्टेराइटेड मसल्स तो ये इस इतने मसल्स से दोस्तों इसके पार्ट होते हैं ठीक है ना और एक चीज़ मैं बता दूँ वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू तो दोस्तों ये स्वयं मतलब खुद ये काम करता है ठीक है ना ये स्वयं सेवक यानी कि स्वयं के रूप में जो भी वर्क करता है स्वयं करता है दोस्तों दूसरा है ये कार्डियक मसल्स दोस्तों इसके नाम में कुछ ना कुछ आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ पाया जाता है मैम ने बताया है कार्डियक मसल जो है यह कहाँ पाता है हार्ट में पाया जाता है ठीक है ना यहाँ लिखा भी देखिए लोकेशन ओनली इन हार्ट दोस्तों कार्डियक मसल्स हार्ट में पाया जाता है यह इनवॉलेंट्री होता है मतलब यह स्वयं के स्वयं से काम नहीं करता है इसको मतलब हमारे शरीर में कोई ऑर्गन होता है उस ऑर्गन के थ्रू ही जैसे हमारे हार्ट में ब्लड ब्लड जैसे एक पार्ट जैसे हमारे हार्ट में चार भाग होते हैं ऐसे करके चार भाग होते हैं उन चार भाग में जो चैम्बर लगा होता है जैसे ब्लड आता है फिर बंद हो जाता है जब आता है तो खुलता है चैम्बर फिर जाता है तो बंद हो जाता है तो मतलब क्या है वो स्वयं काम नहीं करता है इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री मतलब कहते हैं ठीक है ना ट्यूबुलर एंड ब्रांच दोस्तों मैं बता दूं ट्यूबुलर उस वाले मसल में भी था स्केलेटल मसल में भी ये भी ट्यूबुलर ही है जैसे ट्यूब की तरह आप देख पा रहे हैं सब ट्यूब की तरह बना हुआ है सब ट्यूब के तरह बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे इसीलिए इसे ट्यूबुलर मसल कहते हैं और दूसरा क्या ब्रांच देखिए ब्रांच के रूप में यहाँ पर देखिए जोड़ है ए, एक जोड़ दो जोड़ यहाँ भी ब्रांच है यहाँ भी ब्रांच है यानी कि जो ट्यूब टुव वाल ट्यूबुलर तो है और इसमें ये ब्रांचेस भी यानी कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और इसका जो न्यूक्लियस है सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है यानी कि सभी में एक एक यानी कि इसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड यानी कि मैम ने बताया कि यस यूनी न्यूक्टेड मतलब यूनी का मतलब होता है एक न्यूक्टेड मतलब न्यूक्लियस यानी कि एक ही केंद्र इसमें पाया जाता है और आपको मैं बता दू ये जो लाइनिंग लाइनिंग है आप स्ट्रिएटेड मसल्स ये जो लाइनिंग लाइनिंग इसको बोलते हैं और देखिए इस पर भी ये पाया जाता है दोस्तों ठीक है ना ये हो गया खत्म हो गया अब इसको मैं बता दूं दो दोस्तों से मसल्स कार्ड ठीक है ना क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों तो ये अब देखिए थर्ड वाला क्या आता है दोस्तों स्मूथ मसल्स इसको मैं बता दूं दो दोस्तों जो स्मूथ मसल्स होता है वो कहाँ पाया जाता? पा जाता है इंटेस्टाइन में पाया जाता है ठीक है ना या इंटरनल ऑर्गन में दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं पाया जाता है ट्यूब्स लाइक्स इंटेस्टाइन ठीक है ना ये ट्यूब के अंदर दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा इंटेस्टाइन हो गया जो आँत हो गया उसके अंदर पाया जाता है जो पेशाब की नली होती है उसमें पाया जाता है दोस्तों एक तरह से मैं बता दूँ इसमें देखिए दो दोस्तों सिंगल सिंगल है ये ना तो ब्रांच ट्यूबुलर है इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसका जो न्यूक्लियस है देखिए न्यूक्लियस है बीच बीच में न्यूक्लियस क्या है दोस्तों सिंगल सिंगल है ठीक है ना इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है सब सिंगल सिंगल है तो यह अनब्रांच्ड है यूनी न्यूक्लियस यानी सभी में इसमें भी मतलब सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है इसलिए इसको स्मूथ मसल्स दोस्तों बोलते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर के भाग पे पाया जाता है दोस्तों उसके बाद मैम ने आज ही न्यूरॉन के बारे में भी बताया है न्यूरॉन को भी आज ही इन्होंने पढ़ाया है दोस्तों मैं न्यूरॉन को मैं बता दूँ न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी के प्रति एक भाग को क्या करता है हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग को कंट्रोल करता है यानी कि हमारे शरीर का जो भी भाग होता है किस प्रकार से काम करे या किस पर निर्भर करता है ये तंत्र पर ही निर्भर करता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र के वैसे इसके मेन भाग तीन होता है एक ये ऊपर वाला एक ये बीच वाला एक ये नीचे वाला दोस्तों बीच वाला इसका क्या है केंद्रक हो गया एक है सेल बॉडी हो गया देखिए डेंड्राइट्स ये जो ये देखिए ये सब जो भी है ब्रांच शाखाएं जैसे निकले हुए हैं आप देख पा रहे हैं इसको डेंड्राइट बोलते हैं दोस्तों ये हो गया सेल बॉडी बीच में अब ये देखिए दोस्तों जो बीच वाला पतरा वाला निकला है ना इसको एक बोलते हैं देखिए एक इसे बोलते हैं अब बीच का जो है एक केंद्रक हो गया इसका ठीक है ना ये नीच वाला एक जोन टर्मिनल हो गया दोस्तों टर्मिनल तो दोस्तों अगर मैं कह दूं जैसे आप इसके बारे में एक चीज़ एक एग्जांपल मैं दे देता हूं जैसे मान लीजिए हमारा आँख में अचानक से कुछ पड़ने वाला होता है ठीक है जब कुछ आँख में पड़ने वाला होता है या आँख में चोट लगने वाला होता है देखती है अचानक से आँख बंद हो जाता है तो इसका मतलब सोचिए इतना तेज वर्क करता है कि जैसे ही मतलब हमारे सेंस में हमारे दिमाग में ऐसा मतलब नर्वस सिस्टम वर्क करता है कि जैसे लगता है कि कुछ आँख हमारे आँख में लगेगा तो अचानक से क्या होता है मेरा आँख यह आपका भी यहाँ बंद हो जाता है यानी कि उस समय नर्व नर्वस सिस्टम कितना तेज काम करता है दूसरा एग्जाम्पल एक, एक और बता रहे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अचानक से पैर के नीचे कोई सांप आ गया ऐसा कोई जानवर आ गया तो क्या होता है तुरंत रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिक्रिया हम लोग देते हैं तुरंत मतलब क्या है क्रिया के क्रिया के जस्ट बार प्रतिक्रिया देते हैं यानी कि उसको हम लोग हटा लेते हैं अपने तरफ तो इस एक इसका मेन यही काम करता है दोस्तों कुछ भी चीज होने वाला होता है पूरे बॉडी को जो नियंत्रण करता है वो है न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा ही नर्वस सिस्टम के द्वारा ही यह पूरा प्रक्रिया चलता है हमारे बॉडी में ठीक है ना और मैं एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों ये डिवाइड नहीं होता है ठीक है ना जैसे इसे नहीं मस्तिष्क में अचानक से चोट लग जाता है तो लोग देखिए चोट लगने के बाद उसका सेल डिवीजन नहीं होता है ना तो वो ठीक होता है जल्दी तो क्या होता है लोग बहुत जल्दी डेथ हो जाता है तो दोस्तों आज ही आज का हमारा क्लास एनाटॉमी में ही चला है तो मैं दोस्तों अगले अगला वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि फिर अगला क्लास कौन सा चला और उसमें क्या मैम ने पढ़ाया अलग अलग सब्जेक्ट का मैं बारी बारी से दोस्तों आपको बताते रहूंगा और पढ़ाते रहूंगा क्या क्या, -क्या पढ़ाई हुआ है अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही दोस्तों बनाए रहिए है हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि रात्रि का भी बज रहा है नौ हम लोग चल रहे हैं पढ़ने क्योंकि हम लोग का कल टेस्ट है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें